दोस्तों, लाइफ में आप भी सोच रहे हो कि एक ब्लॉगर बनो, कैमरा पकड़ के ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करो, हर जगह घूमो और उसको कैप्चर करके अपने व्यूअर्स को दिखाओ। लेकिन पहला पहला टाइम में क्या होता है, हम लोगों का वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते। वैसे मेरे भी वीडियोस में अभी व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मुझे एक सुरंग मिला जहाँ से हम व्यूज़ ला सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? अभी देखो, हम लोग जहाँ पर घूमने जाते हैं, हमारा जो लोकेशन होता है मोबाइल का, उसको ऑन करके अगर क्लिक करते हैं तो अचानक अचानक नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा गूगल डिटेक्ट कर लेता है ये फ़ोटो कहाँ पे खींचा गया है। ये फ़ोटोज़ वाला ऑप्शन, फ़ोटोज़ जो ऐप्स है उसके अंदर सब दिखाई देता है। किसी भी फ़ोटो लोकेशन, अपना फ़ोन का लोकेशन ऑन करके क्लिक करते हो तो पता चल जाता है कि यह फ़ोटो कौन से जगह पर क्लिक किया गया है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन वो पता कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो फ़ोटो आप जहाँ पर क्लिक करते हो, या फिर समझ लो आप जगन्नाथ टेम्पल में गया या फिर सीमा पिले जा पर गया, तो वहाँ पर जाके आपने क्लिक किया वो फ़ोटो, तो जो हम लोग का गूगल का एप्स होते हैं मैप मैप, वो मैप्स पे क्या होता है, उस रिव्यू देना होता है कि आपने काल उस जगह पर गया, आप इस जगह के बारे में क्या बताना चाहते हैं, कुछ रिव्यू दो, या फिर आपने जहाँ पर गया उसका कोई अच्छा खासा फ़ोटो है तो उसको अपलोड करो। तो वो क्या होता है, आपने उस जगह के बारे में रिव्यू दिया, तो इससे क्या होता है, दूसरे लोग जब उस जगह के बारे में चार्ज करेंगे तो लोगों को पता चलता है कि इस जगह में ये चीज़ है, इस बंदे ने ये बताया कि ये जगह अच्छा है, सेफ़ है, ख़राब है, बुरा वाला जो भी है वो लोग बताते हैं। ठीक है, तो मतलब उस जगह को देख के हमें पता चलता है कि यार वो जगह ऐसा है वैसा है, उसमें वो मिलता है वो मिलता है, वो सब हम रिव्यू देते हैं तो दूसरा लोग उसको देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम इसमें ब्लॉगिंग करते हैं तो हम उस फ़ोटो भी डालेंगे, उस फ़ोटो के बीच में हम कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख के दे देंगे कि भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो इस जगह के बारे में आप अच्छा से पता कर सकते हो मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख के। ठीक है, तो तुम्हारे उस जगह का भी वीडियोस होना ज़रूरी होगा ताकि वो बेचारा तुम्हारे चैनल पे आके ढूंढ के मिले कि भाई जो जगह के तलाश में कर रहा था उसका वीडियो मुझे मिला। अगर तुम बेकार में एक फ़ोटो डालोगे और उसका कोई वीडियो अब तुम्हारे यूट्यूब में ना हुआ तो उस बेचारा का नाराज़ में गिर सकता है, नाराज़गी की फील होगा, है कि नहीं? तो मैंने 8 महीने से पहले, या फिर मैं मोबाइल लेने के बाद जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक किए तो उसमें अच्छा अच्छा फ़ोटो उस स्पेशल स्पेशल जगह पर मैंने अपलोड किया था, जिसके वजह से कल हम चेक कर रहा था मैप्स, तो उसमें कंट्रीब्यूट एक ऑप्शन होता है, तो उसमें हम जाके चेक किया तो देखा 6,000 से ज़्यादा लोग मेरे फ़ोटोज़ देखा है। यानी कि हम अगर उस फ़ोटो के बीच में हम कुछ लिख देता तो शायद बहुत लोग हमारे इस फ़ोटो के ज़रिए हमारा यूट्यूब तक पहुंच पाते हैं और बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत सारे व्यूज़ आ सकते थे वहाँ से, और सब्सक्राइबर भी शायद बहुत सारे आ सकते थे। तो ये हमें आगे पता नहीं चला, अभी पता चला है। तो ये ट्रिक अगर आप भी यूज़ करते हो तो शायद बहुत सारे ऑडियंस तुम्हारे चैनल पे आने का मतलब चांसेस है। तो इसके लिए हम पूरा मोबाइल के अंदर घुस के दिखाते हैं कि किस तरह काम होता है। ठीक है, सो मोबाइल के अंदर हम घुस के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन है और अभी हम अपना मोबाइल का जो ऐप्स है, मैप नाम का गूगल का ही ऐप्स है, इसको पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैप्स अभी अपडेट हुआ तो इसका आइकन थोड़ा अलग हो गया। तो ये देखो, हमारा हमारा लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम ये कंट्रीब्यूट का ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हम फोटोज़ में जाके देखिए, यहाँ पर देखिए 6,117 लोगों ने मेरा फ़ोटोज़ देखा। ठीक है, तो पॉपुलर जो जगह है वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने मेरा फ़ोटोज़ देखा। ठीक है, तो ये मैंने जगन्नाथ टेम्पल का फ़ोटो दिया, यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब, फिर विक्रम देवनाथ, ऐसे हमने लोगो लगा कर दे दिया फ़ोटो को एडिट करते करके। और यहाँ पर हम कैप्शन में अगर लिख दूँ कि आई हैव ए यूट्यूब चैनल एज विक्रम देवनाथ, तो क्या होगा, ऐसे डान कर देंगे तो लोग इसे पब्लिश कर देंगे, तो लोग जब इस फ़ोटो को देखेंगे तो ये कैप्शन को भी ज़रूर देखेगा
और ये इससे देखते हुए क्या करेंगे लोग, YouTube में जाके मेरा नाम चार्ज करेंगे और इससे शायद व्यूज़ आ सकते हैं और पसंद आए तो सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। फिर जाके हम बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ दिखाते जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। देखिए ये एक जगह है त्रियो ब्रदर्स, इस फोटो में 742 व्यूज़ आए हैं, मतलब बहुत लोगों ने इस जगह पर चार्ज किया। ये फ़ोटो काफ़ी सुंदर भी है और इसीलिए शायद लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है। ये फ़ोटो भी देखिए 3412 व्यूज़ आए हैं, यानी कि ये जगह विशाल मार्केट है में है और बहुत लोगों ने इस जगह पर चार्ज किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। और मैंने यहाँ पर क्या गलती किया था, मैंने कैप्शन पे कुछ लिखा नहीं था। यहाँ पर देखिए लिखने का जगह जो है इसमें हमने आज ही लिखा है, ठीक है। अगर मैं पहले से लिख के रखता शायद वो जितने भी लोगों ने मेरे फ़ोटोज़ देखा है वो लोग शायद मेरा यूट्यूब चैनल चेक करते और इससे थोड़ा बहुत व्यूज़ भी आ जाते और सब्सक्राइबर भी आ जाता। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ये श्योर, लेकिन ये एक चांसेस है कि व्यूज़ ला सकते हैं हम। फिर जाके यहाँ पर और भी है ऐसे छोटे छोटे जगह पर हमने किया, तो आप लोग जब भी यहाँ पर देखिए एक वीडियो जो भरपूर जगह का है, यहाँ पर 195 व्यूज़ है और भी ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत व्यूज़ आए। ये देखिए इसमें 288 व्यूज़ आए, तो यहाँ पर हमने कैप्शन कुछ भी नहीं डाला था, अभी डालते हैं। आई हैव ए यूट्यूब चैनल हैज विक्रम देवनाथ, तो ये जो हमने अभी लिखा ये लोग पढ़ेंगे, इसे पब्लिश कर देते तो पढ़ेंगे और लोगों ने इस वीडियो को, शायद लोग मेरे चैनल पर जाएंगे और वीडियो पसंद आएंगे तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा वीडियो में व्यूज़ ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम कॉमर्स कॉलेज में 2-3 साल पहले हम फ़ोटो को अपलोड किया था और इस जगह को कॉमर्स कॉलेज को लोगों ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया और जिसकी वजह से 1584 व्यूज़ आ चुके हैं और धीरे धीरे और भी आते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग इस कैप्शन में हमने कुछ लिखा नहीं, लिख देते लोग तो समझ गए दोस्तों। समझ में आया मेरा क्या गलती था, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया, शायद काम आ सकते हैं। आप अगर फ्यूचर में ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो इससे ये काम अभी से शुरू कर दो। हो सकता है कहीं कहीं पर आपने फ़ोटो उठा है और अपलोड करते रहिए, एक दिन काम बन जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो और कुछ भी मन में सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और बाकी आपका मर्ज़ी सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा लगा तो, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।